चलिए आप देखिए तस्वीरों में कि अब अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित करेंगे। बंसल साहब, कैंपेन कमेटी चेयरमैन, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, कृषि मंत्री लाल सिंह कटारिया जी, यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार हमारे सुभाष मैरिया जी, जिला अध्यक्ष व राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, नंदकिशोर मैरिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता दीपेंद्र शेखावत साहब, राज्य मंत्री गोविंद दोतासा जी, वीरेंद्र सिंह जी विधायक, राजेंद्र पारिक साहब वरिष्ठ नेता और विधायक, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला, जिला अध्यक्ष पी एच जाट साहब, सुभाष मीणी जी, भगवान साय जी सैनी, घनश्याम तिवारी जी, मूलचंद जी मीणा साहब जिला प्रमुख, आदरणीय रामेश्वर दयाल जी यादव पूर्व विधायक, ओम पूनिया जी और हमारे वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश जी, मनीष यादव जी, आलोक बेनीवाल जी, डॉक्टर करण सिंह जी, अस्कली टाक साहब, सुरेश चौधरी जी, राजा राम जी मीर साहब और तमाम हमारे उपस्थित यहाँ पर नेतागण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आप सबको मालूम है कि राहुल जी ने लगातार जो आह्वान किया है प्रदेशवासियों को, जिसके कारण हमारी सरकार बनी। सरकार बने हुए 3 महीने हुए अभी, और 3 महीने में जो राहुल जी की भावना थी उसके अनुरूप हम लोगों ने कमी नहीं रखी फैसले करने के अंदर। कर्जे माफ किए कोऑपरेटिव बैंक के, भूमि विकास बैंक के, हमने वादा कर रखा है। इलेक्शन की आचार संहिता आ गई, बैंक के केंद्र सरकार की होती है नेशनल बैंक, बातचीत चल रही है, चुनाव होते ही 2 लाख तक के कर्जे का वादा किया है, वो हम निभाएंगे, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। हमने कहा 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। पहले आपको अनुभव है, सरकार बनी हमारी तब भी हमने घोषणा करी थी, उसको हमने निभाई थी। इसी प्रकार से किसानों के लिए जो हमने कहा है वो पहले करके दिखाया, अब भी मैंने कहा है कि 1 लाख कनेक्शन कुओं पर देने का वो काम आधे से अधिक हो चुका है, और मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। इसी प्रकार से हमने आते ही पेंशन जो थी 500 रुपये 750 करी, 750 करी। इस प्रकार से हमने एक नया फैसला किया, पानी के बिल जो है पानी निःशुल्क कर दिया गया है, पूरे गांव के अंदर कोई बिल नहीं आएगा, निःशुल्क पानी रहेगा। तो जो मैनिफेस्टो लिखा उसके अनुसार हमने तमाम वादे पूरे कर रहे हैं। बल्कि दवाइयां जो महंगी है कैंसर की, किडनी की और हार्ट की, वो दवाइयां 600 दवाइयों के साथ में हमने इनको भी घोषणा कर दी है। तीनों दवाएं आपको फ्री मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं पूरे प्रदेशवासियों को। राहुल जी ने कहा है मैनिफेस्टो में कि जो हमारे नौजवान साथी है जो लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, 3 साल तक उनको सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वादा भी राहुल जी की भावना के अनुरूप हम लोगों ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, उसका लाभ आपको आने वाले वक्त में मिलेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात है, SC ST OBC के अलावा जो कानून बना है वो भी राष्ट्र में लागू कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है, जो कहा है राहुल जी का कहना है, या तो कहो मत या कहो तो उस काम को करके दिखाओ। इस सिद्धांत पे कांग्रेस चलती है। मोदी जी की तरह जुमलेबाजी करना, मोदी जी की तरह जिस प्रकार से झूठे वादे किए, ब्लैक मनी लेके आएंगे, 1 रुपया लेके नहीं आए, नौकरी देंगे 2 करोड़ नौजवानों को, उसकी जिक्र भी नहीं करते हैं, महंगाई कम कर देंगे, भाव बढ़ते गए डीजल पेट्रोल के, पिंक रिवॉल्यूशन का कहा उन्होंने, आप जानते हैं कि इनके वक्त में वो क्या हुआ है, ना गंगा सफाई हुई, ना बुलेट ट्रेन आई। जो वादे इन्होंने किए देश की जनता से, वो तमाम वादे झूठे साबित हुए हैं। आज लोकतंत्र में कायदा होता है कि आप जनता दरबार में कहो जाकर के, 5 साल की हमारी उपलब्धि ये है, अगले 5 साल हम ये काम करना चाहते हैं। मोदी जी उस पर विश्वास नहीं करते हैं, मोदी जी ने तमाम भूल चुके हैं, और वो खाली कभी राम मंदिर के नाम लाते हैं वापस चुनाव के वक्त में, अब वो कभी सेना की बात करते हैं। अरे सेना का शौर्य पराक्रम तो इतिहास में दर्ज है, 62 का युद्ध हुआ देश के अंदर,
पैंशन की लड़ाई पाकिस्तान के साथ विजय हुए थे। इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया, बांग्लादेश को 93,000 उनके कर्नल, जनरल, मेजर, सैनिक बंदी बना दिए हमारी फौजों ने, हथियार डलवा दिए, सरेंडर करवा दिए। दुनिया देखती रह गई और अटल जी को कहना पड़ा हाउस के अंदर इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप है। वो टाइम भी हमने देखा है। क्या मोदी जी, मुझे कभी सुना आपने कि हमारे देश में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके वक्त में ऐसे ऐसी सेनाओं ने अपनी शौर्य पराक्रम को दिखाया है? एक सब नहीं निकला। पंजाब में आतंकवाद था, कितने लोग मारे जाते थे, इंदिरा जी ने साहस दिखाया। उनको मालूम था मेरी जान जा सकती है, जान चली गई, उनकी परवाह नहीं करी। और मरने के पहले एक दिन पहले कहा उड़ीसा के अंदर कि मेरी जान जा सकती है, उसकी मैं परवाह नहीं करती हूं, अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था इंदिरा गांधी जी ने। आप बताइए, क्या इस देश में जिस 70 साल पहले सुई नहीं बनती थी, कपड़े पहनने को नहीं थे, सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, शिक्षा नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था, ना स्कूल थी ना कॉलेज था, पूरा ढांचा खड़ा हुआ देश के अंदर 70 साल में? और कल मोदी जी आए जयपुर के अंदर, बोल रहे थे 55 साल के गड्ढे भरे हुए थे, वो भरने का मैं काम कर रहा हूं। अरे मोदी जी, कुछ तो शर्म करो, किस प्रकार से आप बात बोलते हो। क्या क्या बोलते हैं आप मेरे बारे में, क्या क्या कहा उन्होंने? पाकिस्तान की भाषा बोल रहा राजस्थान का मुख्यमंत्री, शर्म आनी चाहिए। अरे प्रधानमंत्री जी, अगर आप चुने हुए प्रधानमंत्री हैं तो राजस्थान के चुनाव मुख्यमंत्री मैं भी हूं। आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री बारे में बात बोलने का। इस प्रकार से किस रूप में आपने कहा पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, यहां की गवर्नमेंट सहयोग नहीं कर रही है, केंद्र में नाम नहीं भेज रही है, हम लोग पैसा भेजना चाहते हैं। अरे नाम भेजे हुए हैं, उनकी जानकारी में नहीं है। दिल्ली से पैसा रिलीज नहीं हो रहा किसानों का, आरोप हमारा है, आरोप हमारे पर लग रहे हैं। इस प्रकार से आप कब तक जुमले बोलते बोलते राज करोगे? आज देश में घृणा का, नफरत का माहौल है। राहुल गांधी जी की चिंता इस बात की है, उन्होंने कहा हमें कोई किसी दुश्मनी किसी से नहीं है, अदावत नहीं है, लोकतंत्र में अपनी बात कहो, आपकी प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम क्या है, जनता फैसला करेगी किसको सत्ता सौंपनी है। पर आप जानते हो कि जो दो लोग राज कर रहे हैं, मोदी जी अमित शाह, लोकतंत्र में जिस प्रकार का भय का माहौल है, असहमति का यहां कोई स्थान नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल जाओ, सरकार के खिलाफ बोलो, तो आप देशद्रोही हो। इस प्रकार से देश चल रहा है, बहुत स्थिति विकट है, लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। पहचानना पड़ेगा सबको, नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। अरे नई पीढ़ी को राजीव गांधी जी ने 18 साल के मतदान का अधिकार दिया था, ये कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फोन आ गए, कैसे आ गए? ये राजीव गांधी का सपना था इसलिए आ गए। पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके मोदी जी सोशल मीडिया के माध्यम से गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उसको आपको हमको पहचानना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मैनिफेस्टो कांग्रेस का लाए राहुल जी, शानदार, पूरे देशवासियों को पूछ के लाए हैं, अभी वो खुद बताएंगे आपको। मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, शानदार मैनिफेस्टो, चर्चा पूरे देश में हो रही कांग्रेस मैनिफेस्टो की। और बीजेपी के मैनिफेस्टो की कोई नाम लेता ही नहीं है, ना बीजेपी खुद के नेता लेते हैं। चाहे न्याय योजना हो, शानदार योजना, ऐतिहासिक योजना है, किसानों का बजट मेरे ख्याल से विश्व में कहीं नहीं होगा। आज किसानों की जो स्थिति है, जिस रूप में आत्महत्याएं हो रही हो, भाव नहीं मिलते हो, खरीदारी नहीं होते हो, खाद के, बीज के, दवाइयों के अलग से स्थिति खराब हो, उसके स्थिति में अलग से किसान बजट पेश करना, 542 मेंबर पार्लियामेंट उस पर डिस्कशन करेंगे फिर पास करेंगे, मैं सोच सकता हूं। मैं खुद इस प्रकार से मेरे दिल में भाव आते हैं, पहली बार किसानों के लिए इतना बड़ा कदम उठाने का निर्णय किया गया है। आने वाले वक्त में ना आत्महत्याएं होगी, ना किसानों की तकलीफ आएगी,
फसल के पूरे दाम मिलेंगे। और मैं समझता हूं कि इस ऐतिहासिक जो निर्णय किया गया है ये देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सुभाष मैरिया को आप जानते हैं, पहले आपके मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, ये बहुत व्यवहार कुशल हैं, निष्ठावान है, समर्पित है, प्रतिबद्ध है किसानों के लिए, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ कौम के लिए। ऐसे व्यक्तित्व को अगर आप लोग आशीर्वाद देते हैं, चुनाव जीत के जाते हैं, ये मान के चलो कि ये आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, समस्याओं को दिल्ली की पंचायत में रखेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं सरकार हमारी 4.5 साल से चलेगी, आप निश्चिंत रहो। एक कड़ी से कड़ी जोड़ोगे आप लोग दिल्ली तक, तो जो काम आप कहेंगे, पहले भी हमने कमी नहीं रखी है, आगे भी आप काम कोई रुकेंगे नहीं, ये मैं वादा करना चाहता हूं आप लोगों से। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे एक बार पुनः अपील करूंगा कि 6 तारीख को एक एक वोट कीमती है, आपका, आपके परिवार का ये संदेश, आप राहुल गांधी जी का, हम सबका संदेश लेके जाएं और 6 तारीख को भारी मतदान करके आप कामयाब करें कांग्रेस उम्मीदवार को। ये बात करना मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।